मनोज केजरीवाल विधायक से माइक लीजिए। ठीक है नहीं ठीक है आगे आइए। मेरे अपने सगे छोटे भाई का नाम भी मनोज केजरीवाल है। नमस्कार सर। सर जैसे अभी हैप्पी भाई ने कहा कि व्यापारी का कोई पैसा डूब जाता है, कोई लेके भाग जाता है, वो व्यापारी पुलिस के अंदर जाता है, पुलिस एफआईआर नहीं करती है, एकदम सही बात है। वो व्यापारी त्रस्त है एकदम कि अगर मैंने एफआईआर कर दी तो उल्टा वो कहते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बात हो जाती है। सर यहाँ सर इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ, तकलीफ भी होती है कि मेरा पैसा मैं मांग रहा हूँ और मेरे को नहीं मिल रहा, मैं हैरेसमेंट हो रहा हूँ। तो सर इसका निवारण होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सर व्यापारी अपना दिन और रात बीवी बच्चों को छोड़ देता है व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए। सर मैं जब सूरत आया था, मैं 15 साल मेरे माँ बाप को छोड़ के आया था, यहाँ पैसा कमाया, डूबा भी, परंतु मेरा उसका कोई निवारण नहीं निकला। सर आज वो पैसा खाया हुआ बंदा यहाँ घूमता है, तकलीफ होती है सर, उस चीज का निवारण होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 27 साल से तो भाजपा है यहां पे, उसके पहले कांग्रेस थी। कभी किसी भी पार्टी ने चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, सरकार ने कभी आपसे ऐसे आमने सामने बातचीत करी आपकी समस्याएं जानने के लिए? धमकाते हैं बस, कभी आज तक बातचीत नहीं करी। ये पहली बार हो रहा है। पिछले 6 महीने से मैं गुजरात आ रहा हूं। आज हम टेक्सटाइल के ओनर्स के साथ, कर्मचारियों के साथ बात कर रहे हैं, कई सारे पेरेंट्स आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हमने अलग अलग मुद्दों पे गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाके जनता के साथ बातचीत करी, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश करी कि क्या समस्या है, तभी तो समाधान निकलेगा। आज जिस तरह से हम इस चुनावी कैंपेन के अंदर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपकी समस्याएं समझ के उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए, जैसे चुनाव चल रहा है हम लोगों का। जैसे चुनाव के दौरान आपसे बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और जैसे वो लोग चुनाव के पहले भी आपसे बात नहीं करते, वो चुनाव के बाद भी आपसे कभी बात नहीं करते। तो मैं सीधे सीधे मुद्दों पे आता हूं। सबसे पहली चीज है, जिस समाज में व्यापारी खुल के निडरता के साथ व्यापार नहीं कर सकता, वो समाज की अर्थव्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। वो समाज गरीब ही रहेगा, वो समाज अमीर नहीं बन सकता। अमीर तो तभी बनेगा जब व्यापार आदमी खुल के करेगा, बिना डर के करेगा। आज आप लोगों ने, यहां इतने सारे लोगों ने आने की हिम्मत करी, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। पता नहीं कितने आप में से कितने लोगों के नोटिस वोटिस आ जाए, रेड वेड हो जाए, है कि नहीं है? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है इन्होंने, ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल हमारा एक कार्यकर्ता नीचे सड़क के ऊपर रेडी पे कुछ खाने के लिए गया, उसको भूख लगी थी, तो रेडी पे खाते खाते उसने पूछा किसको वोट करोगे भैया, बोले भाजपा। फिर बैठ गया वो वहां पे, स्टूल पड़ा था, स्टूल पे बैठ के खाने लगा, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद रेडी वाला कहता है कि सर हमारी पूरी गली झाड़ू को वोट दे रही है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूं। सो उसने पूछा भाई भाजप क्यों बोला? बोला सर आप शक्ल से भाजप वाले लग रहे थे, मैंने सोचा मारोगे मेरे को। बताओ एक आम आदमी गुजरात के अंदर ये नहीं बता सकता कि मैं इसको वोट दे रहा हूं कि उसको वोट दे रहा हूं, क्या डर का माहौल है गुजरात के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा जी?
मैं तो अब ये कह रहा हूं कि सड़क पे ये जो सर्वे करने वाली कंपनियां आ रही हैं पूछने लोगों से, जितने भाजपा बोल रहे हैं वो वोट झाड़ू को देने वाले हैं, और देख लेना कुछ चमत्कार ही होने वाला है इस बार, परिवर्तन। तो सबसे पहले तो आपका डर खत्म करूंगा मैं, हमारी सरकार बनेगी निडरता से काम करना, किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है, किसी का कुछ छीन के खा रहे हैं क्या, अपना काम कर रहे हैं 24 घंटे खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी मनोज केजरीवाल जी ने कहा 18 साल से इन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा था, माँ बाप को छोड़ के और यहां पे काम करने आए, और उसके कितने लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के 24 घंटे मेहनत करते हैं कि दो पैसे कमा जाए, और उसके बाद ये इतनी गुंडागर्दी करते हैं। इस गुंडागर्दी से सबसे पहले मुक्ति दिलाएंगे, आप खुल के काम करना। सम्मान देंगे आपको। मैं बहुत बड़े बड़े व्यापारियों से मिला, सब कहते हैं जी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन जैसे ये सरकारें हैं, सरकारें ऐसे करती हैं जैसे कोई हर व्यापारी चोर हो, इस तरह से ट्रीट करती हैं। टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी, ये भी, वो भी ऐसे करते हैं जैसे कोई चोर हो। एक व्यापारी 24 घंटे मेहनत करके अपने घर के बच्चों के लिए पैसे कमाता है, उसमें से टैक्स देता है, दान पुण्य का काम करता है, धर्म का काम करता है, समाज को पालता है। तो सबसे पहले आपको डर दूर करेंगे, दूसरा आपको पूरी तरह से सम्मान, तरह तरह से सम्मान दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि हमें गर्व है, देश को गर्व है आपके ऊपर। रेड राज बंद करेंगे, दिल्ली में बंद कर दिया रेड राज, कोई इंस्पेक्टर रेड मारने नहीं जाता, किसी डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्टर किसी को नहीं भेजते। मेरा अपना यह मानना है, ये जितने रेड मारने जाते हैं, ये कोई व्यापारी से टैक्स लेने नहीं जाते, ये अपने लिए अपना घर भरने के लिए जाते हैं, वसूली के लिए जाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा जी, 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उस टाइम दिल्ली का 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, हमने सारी रेड बंद कर दी। मेरे को कई अफसरों ने कहा जी ये रेड मत बंद करो, ये व्यापारी चोर हैं, ये टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा भरोसा रखो, व्यापारी खुद मन मर्जी से टैक्स देना चाहता है, वो चाहता है सरकार तंग ना करे। आज भाई साहब 75,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया मेरा 7 साल के अंदर बिना रेड के। तो आपकी सारी रेड बंद, कोई इंस्पेक्टर आपको तंग करने के लिए नहीं आएगा। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा अभी निकल के आई कि पैसे की धोखाधड़ी, माल ले जाते हैं और पैसा नहीं आता, पूरा का पूरा पैसा लुट जाता है, पैसा फंस जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से मैंने सुने हैं कि ऐसी कई पार्टियां आई, 4-5 महीने तो अपनी गुडविल बना लेती हैं मार्केट में, पहले 2 करोड़ का काम किया, फिर 4 का किया, और फिर एकदम से 20 करोड़ का काम करके और सारा सामान लेके और गायब हो जाती है मार्केट से। होता है कि नहीं होता ऐसे? और कई लोग इस तरह से डूब चुके, उनका सारा पैसा फंस चुका। इसके लिए स्पेशल कानून लेके आएंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे इसके खिलाफ। अभी एक दो सुझाव तो आए कि उसमें क्या होना चाहिए, आपकी एफआईआर भी होगी, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, और केवल कोरी एफआईआर से आपको अंतपंत में, आदमी को एफआईआर थोड़ी चाहिए अंतपंत में, तो अपना पैसा चाहिए वापस, है ना? तो एफआईआर भी होगी और पैसा भी वापस दिलाएंगे आपको आपका। और ये पेमेंट की प्रॉब्लम केवल सूरत की या गुजरात की नहीं है, पूरे देश की है। जितने व्यापारी हैं, मैं तो व्यापारी समाज से आता हूं, जितने व्यापारी हैं सब इस पेमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं समझता हूं गुजरात के लोगों के साथ मिलके, सूरत के लोगों के साथ मिलके एक नया ऐसा कानून लेके आएंगे जो शायद पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा, पूरे देश के लिए इस समस्या का समाधान निकल सकता है। आज व्यापारी के सामने सबसे बड़ी पेमेंट, सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की धोखाधड़ी की है, इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे और आपकी पेमेंट आपको दिलाएंगे। पांचवी चीज, सूरत को गुजरात का नहीं पूरे देश का गारमेंट हब बनाएंगे, एक नया इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा। उसमें आपको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, सुविधाएं सरकारी तौर पे, इन द सेंस की मान लो टैक्स ब्रेक्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स है, वो भी दिए जाएंगे और सारी फैसिलिटीज भी बना के देंगे। अभी मेरे को पता चला मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में आप काम करते हैं, वहां ना पानी है ना सीवर है, बुरा हाल है आप लोगों का, इसको सारे को मॉडर्नाइज करेंगे
पूरी सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, आपको पानी भी देंगे, सीवर भी देंगे, बत्ती भी देंगे, सस्ती बत्ती भी देंगे, सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि हजारों बच्चों को रोजगार मिल सके, खूब प्रोडक्शन हो सके और देश को डॉलर के रूप में एक्सपोर्ट इनकम भी हो सके। छठा, एमएसएमई का बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलता। आप अगर लोन लेने जाते हो तो कोलेटरल मांगा जाता है, तो एक तो सबको एमएसएमई का बेनिफिट भी दिलाएंगे और अभी जो 25 लाख रुपए की लोन की लिमिट है उसको 1 करोड़ रुपए लोन की लिमिट किया जाएगा। सातवां, जीएसटी। जीएसटी से बहुत सारी परेशानी है, जीएसटी के रेट से परेशानी है, उसको हम केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे और जीएसटी को लागू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, उसको सिंगल विंडो बना के इसको, वो हमारे हाथ में है। जीएसटी के रेट तो केंद्र सरकार के हाथ में है लेकिन जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहां पे लोकल लेवल पे, वो हमारे हाथ में है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप लोगों को जीएसटी को लागू करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म किया जा सके। आठवीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो अभी मैंने कहा आप लोगों का बिजली पानी सीवर ये सारा इसका इंतजाम किया जाएगा। नौवां, बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं, इसको बिजली के रेट आप लोगों के लिए सस्ते किए जाएंगे। और दसवां, दिल्ली में हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जितनी भी सरकार की सर्विस है, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में हमने कई सारे सरकारी महकमों में ताला लगा दिया है कि अब यहां आने की जरूरत नहीं है। हमने एक नंबर दे दिया 1076, ये दिल्ली से ही काम करता है, ये यहां से काम नहीं करेगा। आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम हो, आपको कोई लाइसेंस लेना है, आपको किसी भी तरह का काम है, आप 1076 पे फोन करो, वहां से आवाज आती है, जी आपको क्या काम है, आप अपना काम बता दो। फिर वो कहता है, जी आपको आपका ये काम करने के लिए मैं आपके घर कितने बजे आऊं। आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी। आप अगर कहते हो, जी मैं तो लेट आता हूं दफ्तर से, रात को 10 बजे आना, रात को 10 बजे दिल्ली सरकार से एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है। किसी दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है और जो ऑनलाइन ना कर सके उसके डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है। इसको गुजरात में भी लागू करेंगे, आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो, फलो फूलो, यही हम चाहते हैं। आप फलोगे तो देश तरक्की करेगा और आप अपना धंधा छोड़ के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटोगे तो देश भी कैसे तरक्की करेगा। ये सरकारी दफ्तरों को भूल जाना, एक बार हमारी सरकार बनेगी आप चिंता मत करना, सरकारी दफ्तरों को हम संभाल लेंगे, आप अपना धंधा संभालना।